18 सालों तक कांग्रेस में अहम पदों और दर्जों पर रहने के बाद राहुल गांधी के सबसे करीब रहने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब हर जगह भूचाल की स्थिति है। इस ज्वालामुखी के प्रकोप से राजस्थान सरकार भी अछूती नहीं रहेगी। जरा गौर से सोचो कि आज जो राजनीतिक स्थितियां पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में होनी चाहिए थी, उसे कैसे बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया। भयंकर मंदी, जबरदस्त बेरोजगारी और दंगों के लिए कांग्रेस देश की बीजेपी सरकार को घेर सकती थी। आम लोगों का भरोसा मोदी सरकार से हटाने का सबसे सही समय था ये कांग्रेस के लिए, लेकिन राजनीतिक शतरंज में बीजेपी ने बड़े ही तरीके से कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चेक एंड मेट कर दिया। अब जब कांग्रेस के अंदर का इतना बड़ा सिपाही कांग्रेस के अंदर की खराब स्थिति खुलकर सामने रख रहा है, तो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने वाली कांग्रेस का पूरा फोकस अब अपने घर को बचाने में लग चुका है। आज हम राजस्थान संवाद में इस बात का पूरा विश्लेषण करेंगे कि इस पूरी राजनीतिक उठापटक का राजस्थान सरकार और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। अब जरा गौर से एक बात को सोचिए और समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से चले जाने पर हर कोई बड़ा कांग्रेसी नेता बोल रहा है और सिंधिया को खरी खोटी सुना रहा है, पर क्या आपने अभी तक इस बारे में सचिन पायलट का कोई भी किसी भी किस्म का बयान या रिएक्शन सुना? इसका जवाब है नहीं। पायलट ने सिंधिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की बजाय ये ट्वीट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि सिंधिया ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। इसका साफ साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट सिंधिया के इस कदम में उनके साथ है। अब इसके साथ ही सबको ये भी अच्छी तरह से पता है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने अच्छे दोस्त हैं। जाहिर तौर पर सिंधिया के ये कदम बिना सचिन पायलट के सलाह किए तो नहीं लिया होगा, और एक बात, सिंधिया को वहाँ अच्छा पद मिल गया तो इससे बहुत सारी परिस्थितियाँ राजस्थान सरकार और उसके विधायकों को भी बदलेगी। ये सभी को पता है कि राजस्थान के सारे विधायक कांग्रेस में ना तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और ना ही एक साथ हैं। ऐसी स्थिति में दो कैंपों में बटे हुए विधायकों को कांग्रेस में रोके रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अशोक गहलोत की राजनीतिक दक्षता पर किसी किस्म का कोई संदेह नहीं है, लेकिन अमित शाह की जोड़ तोड़ वाले हुनर को भी हम नकार नहीं सकते। ऐसे में आपको आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान में विकास दिखे या ना दिखे, लेकिन राजनीति बहुत सारी दिखने वाली है। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए राजस्थान संवाद। हम हर खबर का, हर बात का पूरी तरह से विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आएंगे। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। नंबर वन, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर टू, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।